नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में बात आज उस आतंकी जिसने 20 शहर में दस्तक दी है। यकीनन 5 घंटे तक चले इनकाउंटर में जिस तरीके से 20 शहर में आतंकी दस्तक रही, उसने शायद समूचे देश का ध्यान लखनऊ शहर के ठाकुरगंज मोहल्ले की तरफ खींची दिया। 5 घंटे तक उन स्थितियों के बीच जब 3 जानकारियां आ रही थी, नाम सैफुल्ला, संगठन ISIS और साथ में हथियार। भारत में ये अपने तरीके की पहली दस्तक। इससे पहले विचारों के तौर पर ISIS को परखा गया था, लेकिन कई सवाल इसके साथ खड़े हो चले हैं। तो दस्तक में आज उन तमाम सवालों की परतों पर नजर डालने की कोशिश होगी। हमारे साथ कुछ मेहमान भी होंगे, लेकिन आइए पहले शुरुआत रिपोर्ट से। तमाम इस्लामिक आतंकी संगठनों का ग्राउंड जीरो ISIS यानी इस्लामिक स्टेट क्या बन चुका है? क्योंकि जिस थ्योरी को लेकर जैश से लेकर लश्कर और मुजाहिदीन से लेकर तालिबान ने आतंक की जमीन पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में खड़ी की, उस बनी बनाई जमीन पर एक तरफ इस्लामिक स्टेट अपना विस्तार देख रहा है, तो दूसरी तरफ तमाम आतंकी संगठनों को भी लगने लगा है कि अगर इस्लामिक स्टेट के साथ खड़े होकर सभी साथ नहीं आए तो फिर उनकी अपनी जमीन खत्म हो जाएगी। और भारत के लिए सबसे मुश्किल सबब यही कि पड़ोसी देशों की पूरी कतार यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के रास्ते आतंक की दस्तक भारत में होती रही है। लेकिन इस्लामिक स्टेट भारत के लिए ज्यादा मुश्किल सबब इसलिए क्योंकि इसकी एंट्री भारत में बंदूक के रास्ते कम, विचार के रास्ते ज्यादा हुई। और ध्यान दे तो इससे पहले ISIS से जुड़े दर्जन भर अलग अलग उम्र के लोगों की गिरफ्तारी देश के अलग अलग हिस्सों में जो भी हुई, उसमें किसी के हाथ में बंदूक नहीं थी। कोई कंप्यूटर के जरिए जुड़ा तो कोई मौसुल से लौटा था, लेकिन पहली बार बंदूक के आसरे आईएस आतंकवादी के होने का इनपुट लखनऊ में मिला। एक हमें इनपुट आज प्राप्त हुआ था कि कुछ सस्पेक्ट्स यहाँ पे छुपे हुए हैं कानपुर में और लखनऊ में। उसी के ऊपर हमारी ATS की टीम, उनके सीनियर अधिकारी और सिविल पुलिस उनकी तलाश में गई थी। जो कानपुर में एक अभियुक्त था, सस्पेक्ट था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी पहली बार लखनऊ में ISIS के आतंकी होने के जो इनपुट मध्य प्रदेश के पिपरिया से निकले और कानपुर होते हुए लखनऊ पहुंचे, उसने 3 संकेत साफ तौर पर दे दिए। पहला, IS भारत में आतंकी हिंसा करने के लिए तैयार है। दूसरा, IS अपने विस्तार के लिए भारत में जमीन तलाश रहा है। और तीसरा, जो आतंकी भारत में सक्रिय हैं, अब उन्हें IS का साथ मिल रहा है। यानी हिंसा का नया चेहरा अब IS आतंकी से जुड़ा है, क्योंकि भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में आज सुबह ही ब्लास्ट की खबर आई और पिपरिया पुलिस ने ब्लास्ट के पीछे IS आतंकी के होने के इनपुट भोपाल को दिए। और उसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस सक्रिय हुई और जब IS आतंकवादियों को लेकर उसने जानकारी हासिल की तो आतंकियों के तार कानपुर से जुड़े। मध्य प्रदेश पुलिस ने इनपुट UP पुलिस को दिए, जिसके बाद कानपुर में कई जगहों पर छापे मारे गए। एक आतंकी को कानपुर में गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन कानपुर में IS आतंकी सैफुल्ला के लखनऊ भागने की खबर मिली और उसी के बाद लखनऊ के ठाकुरगंज के इस इलाके को ग्राउंड जीरो किया गया। दरवाजे को नॉक किया गया, उसने दरवाजा बंद कर लिया और अंदर से हमको एक पिस्टल को कॉक करने की आवाज आई और हमारे पास ये भी पूर्व सूचना है कि इस व्यक्ति के पास में वेपन्स हैं अंदर और एमुनिशन भी है, लेकिन अकेला संदिग्ध व्यक्ति ही अंदर है, उसके पास कोई होस्टेज नहीं है, कोई और नहीं है, तो समय हमारे साथ है, कोई हमको जल्दी नहीं है, इसलिए हमने इस व्यक्ति को जिंदा गिरफ्तार करने के लिए चिली बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया। लेकिन सवाल अब यही है कि एक तरफ अमेरिका भी IS के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर आखिरी लड़ाई की बात कर रहा है और दूसरी तरफ IS आतंकी पहली बार भारत में सबसे घनी आबादी के बीच हथियारों से लैस होकर छुपा है, तो क्या भारत में IS की दस्तक हो चुकी है? सवाल सिर्फ इतने नहीं है, सवाल आगे बढ़ेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में विक्रम सिंह जी, फॉर्मर DGP उत्तर प्रदेश के जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अलग से मेहमान एक जयदेव राणा जी जुड़ रहे हैं, फॉर्मर एडिशनल सेक्रेटरी हैं रॉ के। विक्रम सिंह जी, पहला सवाल तो यही, शाम के समय जानकारी मिली जिंदा पकड़ा जाएगा, चंद मिनटों पहले खबर आई मारा जा चुका है, इसका देखिए मतलब इसको मैं चूक नहीं कह सकता हूं, यथा सामर्थ्य यथा शक्ति प्रयास किया जाता है कि जिंदा पकड़े,
जिंदा पकड़ने के बहुत लाभ हैं, सूचना उसके माध्यम से उसके अन्य सहयोगियों के बारे में जानकारी, हथियारों, रसद, सप्लाई और जो इंडोक्ट्रिनेशन होता है, रेडिकलाइजेशन होता है, पूरी प्रक्रिया की छानबीन। एक अकेला शख्स जिंदा नहीं पकड़ पाए और उसने खुद को भी नहीं मारा, वो फिदायिन भी नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वहां पर जो परिस्थितियां होती हैं उन परिस्थितियों के आधार पर यह कह देना कि एटीएस ने प्रयास नहीं किया, एटीएस ने जो प्रयास किया, चिली बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया, टीयर गैस का भी इस्तेमाल किया, कोई कोलेट्रल डैमेज भी नहीं हुआ, कोई उनकी जनहानि की कोई नुकसान नहीं हुआ, तो ये तो एटीएस के बारे में कहा सकता है कि ये सकारात्मक, ये उनका योगदान था। लेकिन अगर जिंदा पकड़ लेते तो एक जिसको कहते हैं कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हाथ आ जाती और जिससे बहुत सारी चीज़ें मिल सकती थी, और कोशिश इनकी थी, नहीं कर पाए। अब ये चूक तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये बेहतर विकल्प होता कि अगर जिंदा पकड़ लेते। विकल्प दो ये हमेशा से था कि उसको न्यूट्रलाइज किया जाना, भागने न देना। अंधेरे के बाद मुठभेड़ बहुत ही दुष्कर हो जाती है और अंधेरे के बाद भागने की संभावनाएं 99% रहती हैं, लेकिन एटीएस की यह सफलता मैं कहूंगा कि अंधेरे के बावजूद सैफुल्ला भाग नहीं पाया और निष्क्रिय किया गया। राणा जी, एक सवाल हर जहन में होगा, एक मिनट, क्योंकि इससे पहले जितने भी आईएस से जुड़े तार मिले इस देश के भीतर, वह कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी का मसला था, विचार का मसला था। कंप्यूटर के जरिए ताल्लुक बनाए जा रहे थे, मौसल से लौट कर पहुंचे थे। पहला ऐसा शख्स नजर आया है जो हथियारों के साथ और इनपुट आईएसआईएस का, क्या यह भारत के लिए खतरे की घंटी है? जरूर है, और ऐसे इशारे पहले भी आए हैं, जैसे आपने कहा, बेशक बंदूक के साथ नहीं, आइडियोलॉजिकली रेडिकलाइज हुए थे या सपोर्टर्स थे, जैसे बेंगलोर में कंप्यूटर के जरिए वो रिक्रूटर था आईएसआईएस का, सबसे फॉरमोस्ट रिक्रूटर, तो ऐसे थे। बट दो तीन इशारे हमारे पास आए हैं। एक तो आईसिस ने खुद कहा है कि भारत जो है उनके साइट्स में है, उनके टारगेट है। दूसरा, आप देखते हैं कि कश्मीर में भी झंडा उड़ाया गया था, उनका लहराया गया था, और शायद ये उसका ये मतलब नहीं है कि उनके फुट सोल्जर्स थे जमीन पे, बट कम से कम कहीं ना कहीं पहला पहल जो है रेडिकलाइजेशन की शुरू हुई है। दूसरी बात जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, 6-7 लोग पकड़े गए और अलग अलग प्रांतों में पकड़े गए, मतलब पुलिस की कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी थी। और एक आदमी जो पकड़ा गया कानपुर में, वो अपने आप को अमीर कहलाता है, आईएसआईएस का लोकल अमीर, मतलब इंडिया की एरिया का, तो उससे भी बहुत जानकारी प्राप्त होगी। ये जो सलाहुद्दीन जो पकड़ा गया, मारा गया, मेरे ख्याल से पहले से ही कोशिश थी कि उस सफुल्ला पहले से ही कोशिश थी कि उसको पकड़ेंगे, गिरफ्तार करेंगे, और उनके एडीजी ने भी कहा था कि हमारी वो कोशिश है। मेरे ख्याल से वही बेस्ट तरीका था, बट पता नहीं क्यों कुछ न कुछ जरूर हुआ होगा उनके प्लान्स को अपसेट करने के लिए और ये मारा गया। पर मेरे ख्याल से ये अब हमको चौकन रहना चाहिए कि बाकी के प्रांतों में भी ऐसे लोग होंगे और उनको ढूंढ के निकालना चाहिए। ओके, क्यों चौकस रहना चाहिए और क्यों ये स्थिति ऐसी है जहां जिक्र हो रहा था कि पकड़ना जरूरी? हम एक बड़ी छोटी सी रिपोर्ट दिखलाते हैं, इससे कुछ समझ में आएगा जिक्र इस बात का क्यों है। देखिए, ये सब गुमराह हुए लड़के हैं जो गुमराह हो गए हैं कानवश, और अब जो भी इनके दिमाग में है, हमारा प्रयास ये है, क्योंकि हम वैधानिक कार्रवाई करना चाहते हैं और करेंगे। यानी जो सवाल पूरी दुनिया में लगातार उठ रहा है, युवा पीढ़ी भटककर आतंकी संगठनों के साथ जुड़ रही है, खास तौर से आईएसआईएस इस्लाम के नाम पर जिस स्टेट की कल्पना किए हुए है, जब उसकी बुनियाद ही आतंक है, तो भी युवा उसमें शामिल हो क्यों रहे हैं? और कानपुर का रहने वाला सैफुल्ला के तार जब मध्य प्रदेश और तेलंगाना से जुड़े हैं, तो ये सवाल भी उभरा है कि अगर सैफुल्ला भटककर आतंकी संगठनों से जा जुड़ा है, तो देश के कई हिस्सों में इस तरह के भटके हुए सैफुल्ला हो सकते हैं। और एटीएस ने इसीलिए सैफुल्ला को पकड़ने वाले हालात बनाए, जिससे सैफुल्ला के जरिए बाकी भटके युवाओं तक पहुंचा जा सके, आईएस के भारत मॉड्यूल के बारे में पता चल सके,
देश के अलग अलग हिस्से में खतरे का अंदेशा कहां कहां है, इसकी जानकारी पहले से मिल सके। जाहिर है एक बड़ी सफलता है कि आईएस के किसी बड़े आतंकी हमले से पहले ही सैफुल्ला पकड़ में आ गया, क्योंकि आतंक फैलाने के लिहाज से जितना सक्षम आईएस है उतना ताकतवर मौजूदा वक्त में कोई दूसरा आतंकवादी दुनिया भर में अभी है नहीं। लेकिन भारत के लिए सवाल इससे आगे का है, क्योंकि आईएस आतंक के लिहाज से बिल्कुल अलकायदा की राह पर है। याद कीजिए 9/11 की घटना, जहाज के पायलट बने आतंकी प्रोफेशनल्स थे, लेकिन अमेरिका के खिलाफ अलकायदा के आतंकी हमले में कई देशों के 17 ऐसे भटके हुए युवा थे जो आतंक को आतंक नहीं बल्कि अमेरिका के खिलाफ आखिरी लड़ाई मान रहे थे। और मौजूदा वक्त में यानी पिछले बरस ही पेरिस से लेकर ब्रुसेल्स और म्यूनिख से लेकर ब्रस्टाइल तक में दर्जनों आतंकी हमले से समूचा यूरोप ही थर्राया, और हर हमले के पीछे आईएस के होने की बात सामने आई, और आतंकी की उम्र 25 से 30 बरस के बीच की ही निकली। यानी जो सवाल समूची दुनिया के सामने है, वही सवाल क्या भारत के सामने भी आईएस के आतंक के साथ उभर रहा है? क्योंकि मौजूदा वक्त के तीन सवाल समूची दुनिया के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। पहला, आईएस के आतंक को लेकर भी दुनिया बटी हुई है। दूसरा, अमेरिका का 6 मुस्लिम देशों पर वीजा रोकने ने इस्लामिक आतंक को अमेरिका के खिलाफ नई जमीन तो नहीं दे दी है। और तीसरा, पाकिस्तान की जमीन पर पलते आतंकवाद को चीन अगर कूटनीति का हथियार बना रहा है तो फिर संयुक्त राष्ट्र क्या करे? और यहीं से भारत की चुनौती बड़ी होती है, क्योंकि आईएस की जमीन ना तो पाकिस्तान में है ना अफगानिस्तान में, और अगर हथियार के साथ आईएस आतंक भारत में दस्तक दे रहा है तो भारत को आतंक के खिलाफ किस तरह की लड़ाई शुरू करनी है यह उसे नए तरीके से सोचना होगा। दरअसल जो आखिरी जानकारी आई उसमें एक छेद से देखा गया कि सैफुल्ला अंदर मरा पड़ा है, लेकिन इस बीच यह भी जानकारी आ रही है कि 2 और संदिग्ध हो सकते हैं, और इसलिए पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ अब भी किया हुआ है, और इस पूरे इलाके में एटीएस और स्थानीय पुलिस जो है उसने घेराबंदी की हुई है। ये सारे सवाल इसलिए मौजूद हैं क्योंकि शहर के बीचों बीच रिहायश इलाके में अगर आईएस के आतंकवादी इस तरीके से छुपे हुए हैं, और अगर मुश्किल हालात से लगातार एटीएस और पुलिस जूझ भी रही है और इस मुश्किल हालात को देश देख भी रहा है, तो फिर कई सवाल एक के बाद एक सामने आएंगे। एक सवाल यह है यहाँ पर सबसे बड़ा विक्रम सिंह जी, क्या हमारे यहाँ की ट्रेनिंग इस रूप में है कि अगर आईएस सरीखे संगठन से भटका हुआ युवा आतंकी हिंसा करने पर उतारू हो जाए तो हम उसे रोक सकें? बिल्कुल वाजपेयी जी, मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा, यूपी की एटीएस और एसटीएफ और मैं समझता हूं कि प्रत्येक प्रदेश में ऐसे पुलिस बल होंगे, और केंद्र सरकार के स्तर पे ब्लैक कैट्स और कोबरास और इस तरीके के जो आउटफिट्स हैं हमारे एनएसजी कमांडोज वगैरह, ये पूरी तरीके से आईएसएस और उनके जो युद्ध स्तर या उनके युद्ध की जो योजना है, कार्य योजना है, उसको निस्तारभूत करने में पूरी तरह से सफल होंगे, क्योंकि उनका प्रशिक्षण एक जनरेशन आगे है। वर्तमान तौर पर भी आप देखें जो सबसे बड़ा हथियार है वो इनका रेडिकलाइजेशन है, जो कंप्यूटर के माध्यम से जो ब्रेन वॉश करने का तरीका है, जो इनको फिदाइन और सुसाइड बॉम्बर बनाता है, सबसे खतरनाक हथियार वो है, न कि इनके हाथ में अगर AK-47 हो, वो तो खतरनाक है ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक जो इनकी जहनियत है उसको दूर करने की और उसको निष्क्रिय किए जाने की आवश्यकता है, और उसके लिए जो कार्य योजना विश्व में बन रही है और जिसके बड़े सकारात्मक परिणाम भी सिंगापुर और जगह में आए हैं, उसको हमको देखने की ज़रूरत है। राणा जी, एक सवाल पूछने से पहले एक जानकारी दर्शकों को और दे दे, उस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है और एडीजी के जरिए जो जानकारी आई है उसमें अलर्ट कर दिया गया है इस पूरे इलाके को लेकर, और अलग अलग जगहों पर ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी इस वक्त अलर्ट है। लेकिन राणा जी, एक सवाल हर जहन में होगा, आईएस को लेकर दुनिया बटी हुई है, रशिया जो सोचता है वो अमेरिका नहीं सोचता, चीन को लग रहा है, रशिया को लग रहा है कि दरअसल सीरिया में तख्ता पलट के लिए आईएस तक का इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है। सवाल यह है, ऐसे में भारत इस अंतर्राष्ट्रीय आतंक के लिए कौन सी तैयारी करे, या तैयारी कर भी रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं, कर तो जरूर रहा है, पर मेरे ख्याल से 2-3 चीजें हम लोगों को करनी चाहिए। पहले मैं एक चीज आपको याद दिलाना चाहता हूं जी,
कि जहां तक लश्कर तैयबा है, अलकायदा है और अब आईएसआईएस है, जो अलकायदा, लश्कर तैयबा और तालिबान, इनकी जो ट्रेनिंग सेंटर्स है, ट्रेनिंग फैसिलिटीज है, एक ही थी और जो वॉलंटियर्स थे वो इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन में या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ते थे। आईएसआईएस जो है वो इन लोगों से भी वॉलंटियर्स ले लेती है। तो एक तरफ से आप देखें तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन जो हैं मिले हुए हैं कहीं ना कहीं किस लेवल पे। दूसरी बात, हम लोग इनका मुकाबला काफी टाइम से करते आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, पर हमें दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अभी पहली बात, जो रेडिकलाइजेशन हो रही है कंप्यूटर के जरिए या अलग अलग तरीके से, हम लोगों को उसको काउंटर करना है। मतलब कंप्यूटर इसको ट्रैक करना है कि कौन से साइट्स पे लोग जाते हैं, क्या करते हैं, वो देखने जरूरी है। और दूसरी बात, जहां ये संगठन बनने लगते हैं इंडिया में, हमें उनको मॉनिटर करके उनके लोगों को या गिरफ्तार करना चाहिए या उनको काउंटर रेडिकलाइजेशन का अभ्यास देना चाहिए। तो ये दो चीज़ें हैं। और तीसरी बात है कि यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है लोगों को अलग अलग जगह जाके बसने, वो बेसिकली बेसिक पुलिसिंग की बात आ जाती है। जो बीट कांस्टेबल है वही उस मोहल्ले का या एरिया का जानकारी रखता है, उसको पता रहता है कि कौन कहाँ से आया है, क्या काम क्या हम काम इस बात का जिक्र राणा जी सिर्फ इस बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्टेट पॉलिसी टेररिज्म को लेकर क्या हो सकती है। हम एक और छोटी सी रिपोर्ट देते हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी तक संयुक्त राष्ट्र में जो सवाल उठा चुके हैं उस सवाल का जवाब संयुक्त राष्ट्र भी नहीं दे पाया है। हम एक छोटी सी रिपोर्ट और दिखा रहे हैं। आईएसआईएस की यह तस्वीर सीआईएस से लेकर मोसाद तक के पास है, लेकिन आईएस को लेकर जो रुख अमेरिका का है वो रुख रूस का नहीं है। आईएस के जो सवाल ब्रिटेन और फ्रांस के सामने है वह सवाल अरब वर्ल्ड के सामने नहीं है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र भी कभी आतंकवाद को परिभाषित कर नहीं पाया। और याद कीजिए, प्रधानमंत्री मोदी ने आतंक से जूझते भारत के सामने चुनौती को लेकर जब संयुक्त राष्ट्र में यह सवाल उठाया। हमारा देश जो टेररिज्म से इतने संकटों से गुजरा है उसको हर हमेशा लगता है कि जब तक यूएन इसमें इनिशिएटिव नहीं लेता है और जब तक हम कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म को पारित नहीं करते, हम वो विश्वास नहीं दिला सकते। और इस सवाल को उठाने के बावजूद संयुक्त राष्ट्र का कोई भरोसा भारत को नहीं मिला। और जब पठानकोट पर आतंकी हमले के तार आतंकी संगठन जैश से जुड़े तो भी चीन के सामने संयुक्त राष्ट्र नतमस्तक हो गया। और अब जब लखनऊ में हथियारबंद आईएस आतंकी सैफुल्ला की मौजूदगी के साथ देश में कई भटके हुए युवा के आईएस के साथ जुड़े होने की बात उभरी है तो कई सवाल एक साथ उठे हैं। मसलन, जैश और लश्कर दोनों ही इस्लामिक स्टेट के पैरोकार रहे हैं। मसूद अजहर और हाफिज सईद दोनों ने अपनी पहचान इस्लाम के स्कॉलर के तौर पर बनाई है। और आतंक का सिरा अगर कट्टर इस्लाम से जा जुड़ा है तो फिर क्या दुनिया को अमेरिका के रास्ते पर ही चलना होगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ही नहीं तमाम इस्लामिक देशों का यह संकट है कि लोकतंत्र संविधान के दायरे से इतर हर जगह इस्लाम की थ्योरी से टकरा रहा है। यानी कट्टर इस्लाम की जिस थ्योरी को आईएस परोस रहा है और पाकिस्तान में आतंक की जमीन तैयार कर चुकी हुई सत्ता को अपने इशारे पर चलाने वाले हालात बना रहा है, तो ऐसे में ऐसे संकट तो हर इस्लामिक देश के सामने है। तो क्या आतंक के खिलाफ दुनिया को वही लड़ाई लड़नी होगी जो अमेरिका मैसूर में लड़ रहा है, या फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया सरीखे देशों का संकट है कि आतंक सियासत के लिए कभी ढाल तो कभी हथियार है? यानी जिन सवालों को भारत ने अलकायदा के दौर में उठाया और जो सवाल अब आईएस के दौर में पाकिस्तान के आतंक को लेकर उठा रहा है, उसमें संकट सबसे बड़ा यही हो चला है कि क्या इस्लाम के नाम पर आतंक के तमाम चेहरे अगर एकजुट होते चले गए और दुनिया के सामने लोकतांत्रिक देशों के भीतर ही अर्थव्यवस्था से लेकर सामाजिक संकट गहराता चला गया तो फिर क्या मौजूदा वक्त में युवाओं का साथ आतंक को मिल रहा है और आने वाले वक्त में स्टेट की परिकल्पना लोकतांत्रिक देशों के संकट को कहीं आतंक से ना जोड़ दे? ये मुश्किल तो है। सिंह जी, ये सवाल इसलिए हमने शुरुआत में कहा था कि ट्रेनिंग है या नहीं, क्योंकि आईएसआईएस इस्लाम का एक आतंकी चेहरा है, उग्रवादी चेहरा है और जिन जगहों पर उसने जमीन बनाई और जहां के मुल्क लड़ भी रहे हैं वह भी संयोग से सीरिया, ईरान, टर्की, अफगानिस्तान, मतलब वहां पर भी एक इस्लाम की मौजूदगी है। जी हाँ।
इस परिप्रेक्ष्य में अगर हिंदुस्तान को लेना है तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिशा में जाना होगा, और उस मानसिकता के साथ हमारी एटीएस, हमारे सुरक्षा कर्मियों के मूवमेंट्स होंगे। क्या आप सिर्फ इसे हथियार का मसला देखते हैं? ना, बिल्कुल नहीं। हथियार तो एक बहुत छोटा सा आस्पेक्ट है, ये मनोवैज्ञानिक है, ये वैज्ञानिक है। हथियार तो बहुत नीचे आता है। मनोवैज्ञानिक स्तर पे अगर आपकी विजय नहीं हुई या आपने इसको नज़रअंदाज किया तो आपके हथियार सबसे अच्छे क्यों ना हो, जिसकी एक मिसाल भी है, आप जीत नहीं पाएंगे। इसकी विजय सबसे पहले आपको तय करना होगा मनोवैज्ञानिक स्तर पर आपने क्या कार्य योजना बनाई है। सिंगापुर ने बनाई है, ईरान ने बनाई है, इंग्लैंड ने बनाई है। हम इस पे ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे, लेकिन एक कमेंट आपसे भी लेंगे रानी साहब। जिस मनोवैज्ञानिक ट्रेनिंग का जिक्र हो रहा है, पॉलिसी का जिक्र हो रहा है, क्या हिंदुस्तान बना रहा है उसे? हाँ जी, जरूर बना रहा है, कोशिश भी हो रही है। खैर इतना पब्लिक नहीं हुआ है, पर जहां तक जानकारी है मेरे पास, कोशिश हो रही है। खास तौर पे काउंटर रेडिकलाइजेशन के एफर्ट्स हो रहे हैं और दूसरे देशों के साथ भी कोऑपरेशन चल रही है। सैफुल्ला मारा गया, लेकिन दो और संदिग्ध हो सकते हैं। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, लेकिन कई सवाल इसके साथ, क्योंकि देश के भीतर आईएस वह भी हथियार के साथ ये पहला मौका आया है, और वह भी 20 शहर में। और इन सब के साथ जिक्र इस बात का हो रहा है, क्या आईएस से निपटने की तैयारी है? हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे समझ पाएंगे कि दरअसल नेटवर्किंग आईएस की हिंदुस्तान के भीतर क्या पुख्ता हो चली है। आतंक की ये तीन तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर है मध्य प्रदेश के चबड़ी रेलवे स्टेशन के पास काला पीपल की, जहां सुबह भोपाल उज्जैन पैसेंजर में आतंकी ब्लास्ट हुआ। दूसरी तस्वीर है भोपाल की, जहां बस से आतंकवादी उतरते दिख रहे हैं। और तीसरी तस्वीर है लखनऊ की, जहां आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी सैफुल्लाह को एटीएस के जवानों ने घेर लिया। उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण के मतदान से पहले आतंक के इस खेल के तार हैदराबाद, भोपाल, कानपुर से लेकर लखनऊ तक जुड़े हुए हैं। और इस आतंकी तार से निकले विस्फोट में आतंक के इस मॉड्यूल का शिकार बनी भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन। भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन भोपाल से उज्जैन जा रही थी। सुबह 9:30 बजे के करीब जनरल बोगी में धमाका हुआ। उस वक्त ट्रेन मध्य प्रदेश के चबड़ी रेलवे स्टेशन के पास काला पीपल पहुंची थी। इस धमाके में 9 लोग घायल हुए हैं। मध्य प्रदेश पुलिस के IG कानून व्यवस्था मकरंद देवास्कर ने साफ कहा है कि ये एक आतंकी धमाका था। ट्रेन में आतंकी ब्लास्ट के बाद सरकारी एजेंसियां सक्रिय हो गईं। इस बीच मध्य प्रदेश पुलिस ने पिपरिया से 3 संदिग्ध लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इनमें से 2 लोग इस बस के CCTV फुटेज में भी नजर आ रहे हैं। ये लोग भोपाल से इस बस में चढ़े थे। ये सभी ATS के रडार पर थे। यही वजह है कि ये लोग भाग नहीं पाए और ATS के हत्थे चढ़ गए। दरअसल मध्य प्रदेश में ट्रेन धमाके के बाद ही केंद्रीय एजेंसियां अलर्ट हो गई थी। हैदराबाद से सेंट्रल एजेंसी ने मध्य प्रदेश ATS को आतंकवादियों के बारे में सूचना दी थी। मध्य प्रदेश ATS ने भोपाल से बस में आए 3 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। इन्हीं से पूछताछ में इनके पूरे नेटवर्क का पता लगा। ISIS आतंकवादियों का सरगना है अल कासिम, जो कि कानपुर का रहने वाला है। ATS ने कानपुर से एक संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान लखनऊ के ठाकुरगंज में ISIS आतंकवादी सैफुल्लाह के छिपे होने की जानकारी मिली। ATS ने आनन फानन में ठाकुरगंज के उस मकान को घेर लिया जिसमें आतंकवादी सैफुल्लाह छिपा हुआ था। विक्रम सिंह जी, एक सवाल है, क्या स्टेट की एजेंसी और सेंट्रल की एजेंसी के बीच में तालमेल है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या वाकई हमारे यहाँ एजेंसीज के तालमेल को इस रूप में डेवलप भी किया गया है कि अगर इस तरीके से इंटरनेशनल टेररिज्म हिंदुस्तान की जमीन पर आता है, यह तो पकड़ में आ रहा है, नजर आ रहा है, लेकिन जिस लहजे में ISIS की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय तौर पे चाहे पेरिस में नजर आई हो चाहे म्यूनिक में नजर आई हो, क्या उस लिहाज से आपको लगता है कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग शुरुआत हो गई है? वाजपेयी जी, आपका बड़ा सारगर्भित और महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले हम अभी सूचना के बारे में आते हैं। सबसे पहले कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अगर उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में ये कामयाब, ये एक दृष्टांत सामने है। इसके अलावा 10 फेलियर में आपको गिना सकता हूँ, पश्चिम बंगाल के और बिहार के, जिसमें मालदा से लेकर के बर्दवान तक फेलियर हुआ और कोऑर्डिनेशन के नाम पर प्रश्न चिन्ह लगा।
हम इस चीज को बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं और वो आत्मघाती होगा अगर इस प्रकार का समन्वय में बीच में खाई रहेगी। देश रहेगा तो वेस्ट बंगाल भी रहेगा, नहीं तो कोई नहीं रहेगा। और ये जो कोऑर्डिनेशन की बात है, इररिस्पेक्टिव कि हम किसके बारे में क्या अभी सूचना जा रही है, लेकिन अगर महत्वपूर्ण अभी सूचना है तो सेंट्रल एजेंसीज को स्टेट्स का कोऑर्डिनेशन का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए, एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि सुओ मोटो ट्रांसफर हो जाए और बिना इसके कि हमारा बैचमेट कोई कहीं हम उसको देखें, एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म होना चाहिए। हम जरा सा इसमें हाइपोथेटिकल एक स्थिति आपसे जोड़ देते हैं। कानपुर में जो ट्रेन डिरेलमेंट हुआ था, प्राइम मिनिस्टर ने कहा और सरकार ने कहा कि इसके पीछे ISI है, ओके, और स्टेट CM ने कहा ये अपनी कमजोरी को छुपा रहे हैं, तुरंत खारिज कर दिया। मैं इसी की तरफ आपको इंगित कर रहा हूं। हाँ। ये एक ऐसा, हमारे आपके 10 मतभेद हो सकते हैं, राष्ट्रहित के प्रश्न पर एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप और खंडित करना और उसके बारे में राजनीति करना ये औचित्यपूर्ण नहीं है। मैं यही कह रहा था कि पश्चिम बंगाल और बिहार में ऐसे दृष्टांत आए थे जब राष्ट्रहित के प्रकरण पर इस चीज को लेकर के मुद्दा बनाया गया था, जो कि इसका औचित्यपूर्ण नहीं है। अब प्रशिक्षण की बात आती है, तैयारी की बात आती है, वेपनरी की बात आती है। ये सही है कि हमने बहुत कार्रवाई की है मुंबई अटैक के बाद, लेकिन वो अब नाकाफी हो गई है। इसको जो कांस्टेंट अपग्रेडेशन होता है, निरंतर आपको एक जनरेशन आगे रहने वाला है, आप अभी उससे 19-20 के स्तर पे शायद आप आगे हैं, लेकिन एक जनरेशन आगे कि आपके NSG के हब क्या हर जगह है कि अगर कहीं आक्रमण होता है आप तुरंत उसको मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं, शायद ये नहीं है। क्या आपके पास इतनी जनशक्ति या सामरिक महत्व के जो स्थान है, लखनऊ में आपके कितने भी ऐसे वाइटल इंस्टॉलेशन हैं, कानपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तमाम, क्या उनकी सुरक्षा के लिए माकूल इंतजाम है? मैं इस प्रश्न को कहकर के ही छोड़ दूंगा, इसका उत्तर देने का प्रयास नहीं करूंगा। मैं समझता हूं उसका उत्तर सब जान सकते हैं, सब प्रबुद्ध जानते हैं। राणे जी, आप कह रहे थे कि हाँ हम उस ट्रेनिंग को कर रहे हैं और वो बताने की स्थिति नहीं है, लेकिन हम आपसे सवाल करें उससे पहले, हम गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने, बहुत दिन की पुरानी बात नहीं है ये, उन्होंने क्या कहा था ISIS को लेकर, हमको लगता है उसको पहले सुना दें। मुझे IS का खतरा बड़ा नहीं लगता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान का रहने वाला हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जो भी हो, यहाँ की फैमिली वैल्यूज ऐसी हैं, यहाँ की लाइफ वैल्यूज ऐसी हैं कि परिवार के लोग ही अपने बच्चों को किसी भी सूरत में रेडिकलाइज होने की इजाजत नहीं देंगे। राणा जी, जवाब चाहेंगे, देश के गृह मंत्री अगर ऐसा सोच रहे हैं और आज जो स्थिति सामने आई है उस स्थिति के बीच में कोई तारतम्य बनता नहीं दिख रहा है, इसीलिए सवाल था हम कितने तैयार हैं। नहीं, देखिए बहुत केसेस में घर के अंदर भी माता पिता को पता नहीं रहता है कि लड़का क्या कर रहा है या लड़की क्या कर रही है। तो पहली बात तो ये है, जहां तक इंडॉक्ट्रिनेशन की बात हुई, वो तो हो सकती है बगैर लोगों को जानकारी लगते हुए। दूसरी बात रही जो तैयारी की, जो हम लोग कर रहे हैं अभी इंडिया में, जैसे विक्रम सिंह जी ने कहा था कि हमें अब बहुत आगे जाना है और जो बेसिक तैयारी है वो भी नहीं हो रही है। तो मैं ये कहूँगा कि अभी तक हमें बहुत ही कोशिश करना है, अभी बेसिक स्ट्रक्चर्स एक जगह बनानी है, वो नहीं हुई है। और जहाँ तक रेडिकलाइजेशन की बात है, ये ज़रूर मैं समझता हूँ कि जो गृहमंत्री इशारा कर रहे थे उसके तरफ, कि यहाँ के जो लोग जो हैं इजीली रेडिकलाइज नहीं होंगे और ना उनका उस टाइप का अपब्रिंगिंग है, वो सही बात है, पर ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होती है। okay. आतंकवाद क्रिएट करने में कई अगर हो गए तो वो ही बहुत है, पर मेरे ख्याल से खतरा तब होगी जब बाहर से लोग यहाँ आने लगेंगे और इनको ट्रेनिंग देंगे। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, राणा जी आपका और विक्रम जी भी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन 20 शहर में इस तरीके से ISIS के नाम से आतंकवादी कोई अगर हथियार के साथ मौजूद रखता है तो शायद बहुत सारे सवाल हैं, सरकार को इसके लिए तैयार रहना होगा। दो आतंकवादियों के और होने की आशंका जताई जा रही है, सूत्र के मुताबिक सफुल्ला मारा जा चुका है और पूरी दुनिया में ISIS की जो स्थिति है उसके मद्देनजर हमको लगता है, हम आपको एक गीत सुनाते हैं, ये गीत दरअसल दिस इज वार का है, दुनिया भर में इस गीत को बेहद पसंद गया, शांति को लेकर ये गीत है।